Welcome to TIPS Educational Consultants, the Institute of Online Entrance Exams Preparation in Pakistan. Punjab University Entry Test for Undergraduate Academic Program. Punjab University की तरफ से एक नया Entry Test introduce करवाया गया है, जिस तरह कि आप सब लोग जानते हैं कि Punjab University में admission लेने के लिए हमारे पास already एक Entrance Exam मौजूद था, जो कि Higher Education Commission Pakistan conduct करता है और जिसे हम USAID भी कहते हैं और अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट भी कहते हैं। लेकिन आज पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नया एंट्री टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है और वाजिया तौर पे कहा गया है कि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए इस टेस्ट में अपीयर होना लाजमी है। तो आज हम इस टेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या इसका सिलेबस ब्रेकअप है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी कितनी कैटेगरीज हैं और किस तरह हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी प्रिपेयर आर सेल्फ्स फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। तो सबसे पहले इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट इज़ कि दो तरह के स्टूडेंट्स इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि अपनी इंटरमीडिएट स्टडीज को कम्प्लीट कर चुके हैं, यानी कि वो HSSC और इक्विवेलेंट 12th ग्रेड एजुकेशन कम्प्लीट कर चुके हैं, तो वो इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। एंड सेकेंडली, ऑल द स्टूडेंट्स जो कि पेपर्स में अपीयर हो चुके हैं एंड आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, वो भी इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। तो इसके 7 डिसिप्लिन हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसके 7 वेरियंस हैं इन शॉर्ट, अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूँ तो। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास PUM है, जो कि पंजाब फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स है, इसी तरह PUE है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और इसी तरह ICS विद फिज़िक्स वाले जो है वो PU CSS में अपीयर होंगे, और ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज और आर्ट्स वाले PU AHS में अपीयर होंगे, जनरल साइंस वाले PU GS में अपीयर होंगे, और कॉमर्स वाले PU COM में अपीयर होंगे, और ICS विद फिज़िक्स कम्बिनेशन वाले PU CSP में अपीयर होंगे, और ICS विद स्टैटिस्टिक्स कम्बिनेशन वाले PU CSS में अपीयर होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये टेस्ट कहाँ पे होगा, इसको किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। तो इस बारे में कहा गया है कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, तमाम बड़े शहरों में पंजाब यूनिवर्सिटी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के टेस्ट सेंटर्स को ऑर्गेनाइज करेगा और वहाँ पे इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी रजिस्टर आर सेल्फ फॉर दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उसके लिए आपने सबसे पहले www.admissions.pu.edu.pk पर जाना है। उस वेबसाइट पर जाके आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पे अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स को पुट करेंगे, तो वहाँ से 1500 रुपीज़ का आपके नाम पे एक चलान जनरेट होगा, जिसको आपने बैंक में डिपॉजिट करवाना है। आप उसे HBL या UBL की किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं और आप उसको ऑनलाइन बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, अगर जब आप अपना चलान पे कर लें, तो आपने जो आपका पेड चलान है वो अपनी एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इन केस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, आप अपना जो पेमेंट रिसिप्ट है, जो पेमेंट प्रूफ है, आप उसे अपलोड करेंगे और एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। नाउ देयर आर सम स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम, और उसके बाद फिर हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। हर एप्लीकेंट को ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, और जो आपकी रोल नंबर स्लिप्स हैं वो भी ऑनलाइन उसी वेबसाइट से जहां से आपने अप्लाई किया है वहां से ही डाउनलोड होंगी। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब आप टेस्ट में अपीयर होने जाएं, तो आपने अपनी रोल नंबर स्लिप साथ लेके जानी है, और आपका मैट्रिक और SSC का जो अटेस्टेड रिजल्ट कार्ड है आपने वो साथ लेके जाना है, और आपने जो पेमेंट प्रूफ है, यानी कि जो 1500 रुपीज़ आपने बैंक में पे किए हैं या ऑनलाइन बैंकिंग से डिपॉजिट किए हैं, आपने उनका प्रिंट आउट अपने साथ लेके जाना है। और अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो टेस्ट है, इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 हैं, और इसमें सारा ही ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, इसमें सब्जेक्टिव पोर्शन नहीं होगा। देयर विल बी नो आर्गुमेंटेटिव ऐसे, नो नरेटिव ऐसे, नो पर्सनल स्टेटमेंट एज वेल। आपको 100 MCQs दिए जाएंगे, जिसके जो है वो बेसिकली 3 मेजर पोर्शंस हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्बल रीजनिंग है, उसमें 20 मार्क्स की हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, और फिर 20 मार्क्स के हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब इस बात को आपने बहुत गौर से सुनना है।
वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो 7 डिसिप्लिनस हैं या वर्जियंस हैं उन सारों के लिए सेम है। इट मींस कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईसीएस और कॉमर्स और जनरल साइंस वालों को, सारे बच्चों को 40 नंबर का जो पेपर है उसका सिलेबस सारों के लिए एक जैसा है, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं वो हर किसी डिसिप्लिन की चेंज हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, प्री इंजीनियरिंग में 20 नंबर की फिज़िक्स होगी, 20 नंबर की केमिस्ट्री होगी और 20 नंबर की मैथमेटिक्स होगी, अलॉन्ग विद वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग क्या होती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होती है, इस पे हम बाद में बात करते हैं। तो तब तक आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। प्री इंजीनियरिंग के लिए 20 नंबर की फिज़िक्स होगी, 20 नंबर की केमिस्ट्री होगी और 20 नंबर की मैथमेटिक्स होगी, और इसी तरह से प्री मेडिकल के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। कंप्यूटर साइंस फिजिक्स वालों के लिए फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स है। कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स है। जनरल साइंस वालों के लिए स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है और मैथमेटिक्स है। कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, और आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज वालों के लिए इस्लामियात है या एथिक्स होंगी, पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज। अब ये जो 20-20 नंबर के 3 सब्जेक्ट हैं ये सारे डिसिप्लिनस में चेंज हो रहे हैं, लेकिन वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो 40 नंबर की है वो सारे जो डिसिप्लिनस हैं उनके लिए एक जैसी है एंड इट विल रिमेन सेम। अब हम वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्बल रीजनिंग में जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से क्राइटेरिया है वो ये है कि जो आपकी FSC लेवल की इंग्लिश है उसमें से आपको एंटोनियम, सिनोनिम्स जो है, सेंटेंस कंप्लीशन, कंप्रीहेंशन और एनालॉजी आएगी, और उसके बाद जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो भी आपके इंटरमीडिएट लेवल के जो बेसिक अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इक्वेशंस हैं उनमें से क्वेश्चंस होंगे, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपके जो पंजाब टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है जो आपने 2 सालों में पढ़ा है उसी में से बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। और फर्दर जो है वो कैलकुलेटर इस टेस्ट में अलाउ नहीं होगा। इस टेस्ट का जो टाइम है दैट विल बी 1 hour and 20 minutes, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और जिस तरह से बबल शीट्स हम फिल करते हैं उसी अकॉर्डिंग पे, उसी जो है वो तर्ज़-ए-कार पे आपने क्वेश्चन बुक से देख के आपने राइट आंसर्स को बबल्स पे फिल करना होगा। आई होप के इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और जो भी नेसेसरी गाइडलाइंस थी वो आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। एंड इफ स्टिल देयर इज एनी कन्फ्यूजन, मिसकंसेप्शन और क्वेश्चंस, यू पीपल कैन आस्क फ्रीली इन चैट सेक्शन। एंड टू बी अ पार्ट ऑफ आर व्हाट्सएप कम्युनिटी और आर फेसबुक ग्रुप कम्युनिटी, you people can join us by opening the Gimel links in the description of this video. Thank you so much. Take care of yourselves. Thank you for watching us. Subscribe us for more.